सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। किसी वैद्य को पता चला कि वैद्य मूसा नगर में है जो सर दर्द की दवा देता है, खाली पेट खिलाता है। सुबह ये मेरा भतीजा और मेरी लड़की की लड़की दोनों और मेरी भाभी तीनों लोग मूसा नगर सुबह दवा खाने गए। वहाँ से लौटने के बाद 1:30 बजे लौट के आए। उन्होंने वहाँ पे दवा नहीं खाई, घर आने के बाद दवा खाई। खाते ही थोड़ी देर बाद उनको रिएक्शन कर गई मिश्रीपुर अस्पताल में, जिसको इलाज कराया गया। इसके बाद डॉक्टर ने रेफर जिला अस्पताल के लिए किया गया, जो आज अब यहीं पे। तो काहे की दवा खाने गए? सर दर्द। कौन थे वो बॉय जिनका नाम, वैद्य का क्या नाम है? वैद्य का नाम था देव सिंह। कहाँ के निवासी है? मूसा नगर में। आपका नाम? कैलाश। आप कौन है? चाचा लड़के के, कमन का चाचा। सुबह एक दूसरा घर वैद्य है, वो दवा देता था, तो वो उधर दवा खाने गए। तो वैद्य ने दवा दी, उसने कहा कि भाई दवा अभी खिला देंगे, इधर चक्कर आएंगे, घर में जाना, दवा घर में खा लेना। दवा खाने के बाद थोड़ा चक्कर आएगा, आराम से लेट जाना। तो इनके ने दवा खाई, इनके दवा खाने के बाद थोड़ा चक्कर आए, इनको पलटी हुई है। पलटी होने समय बस तब तक से इनका यही हाल है, उनके गले में जलन हो रही है, घबराहट सी हो रही है और पलटी हो रही है। वैद्य का क्या नाम था? जी वैद्य और गुड़िया नाम के दो मरीज थे। वो वैद्य से दवा आयुर्वेदिक दवा लेने के बाद उनको उल्टी होने लगी और पल्पिटेशन होने लगे, तो मिश्रीपुर हॉस्पिटल गए, उन्होंने इलाज लिया। मिश्रीपुर में डॉक्टर साहब ने जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया। अब जिला अस्पताल हमीरपुर में उनका इलाज चल रहा है और वो सर दर्द का इलाज लेने वैद्य से गए हुए थे। क्या मामला है पूरा? यदि मोहल्ले निवासी है, इनका सर किया करता है दर्द, तो मूसा नगर गए दवा खाने, दवा लेने। वैद्य जी का उन्होंने दी दवा, दवा खाते ही दोनों को रिएक्शन कर दी, हालत खराब हुई, नाजुक ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ लेके आए। दवा खाने कहाँ गए थे ये लोग? मूसा नगर। क्या नाम है वैद्य का? वैद्य जी का? हाँ, देव सिंह। आप कौन? गाँव का निवासी। नाम? सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।